पीएम शिंजो आबे पर बड़ा हमला, भाषण के बीच मारी गई गोली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर ईडी का छापा। उद्धव को एक और झटका, अब नवी मुंबई में शिवसेना के 32 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को दिया समर्थन। ज्ञान कॉपी मामले की आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला। पहले T20 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 50 रनों से हराया, हार्दिक पांड्या रहे जीत के हीरो। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ दौरे पर हैं। यूपी से चुनावी समर्थन जुटाने के लिए द्रौपदी मुर्मू सीएम योगी के आवास पर प्रस्तावित बैठक में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों से मत और समर्थन देने की अपील करेंगी। इसके अलावा गैर भाजपाई दलों से भी वो समर्थन मांगेंगी। इस मौके पर लोक भवन में सभी विधायकों और सांसदों के लिए डिनर का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है और मतगणना 21 जुलाई को होगी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सागर, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू आ रही है, समर्थन की मांग कर रही हैं और अब लोक भवन में विधायकों के लिए डिनर का भी अरेंजमेंट किया गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे द्रौपदी मुर्मू के? देखिए, कुल मिला के द्रौपदी जो मुर्मू हैं, उनका आने का समय 2 बजे रखा गया था, लेकिन अभी पता चल रही है ताज़ा जानकारी के अनुसार, आपको पता होगा कि उनका आने का समय लगभग 2:40 है, हम उसके एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वो उसके बाद से वहां पर रहेगा, हर एक बड़ा नेता शामिल रहेगा उनके स्वागत के लिए और एक कई आदिवासी संगठन भी रहेंगे उनके स्वागत के लिए और तमाम ऐसी चीजें उनके साथ होंगी, जैसे उनसे मिलना हो गया, तमाम लोगों के विधायकों से मिलना हो गया, तमाम लोग भवन में उन लोगों से मिलेंगी, अपने प्रति वोट मांगेंगी और यही सब चीजें। जी, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो वो किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कुल मिला के सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रखी गई है और क्योंकि एक राष्ट्रपति उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद, क्योंकि अमौसी से लेकर अगर उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा वीआईपी भवन होते हुए, तो कुल मिला के पूरे एक रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल अभी कई जगह तैनात हो गया है, कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद। जी सागर, भाजपाई दल और साथ ही साथ उसके संगठन दल सभी अपना समर्थन देंगे एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को, अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष की तरफ से किसका किसका समर्थन मिलता दिख रहा है? देखिए, विपक्ष की बात करो तो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और तमाम लोग हैं, पटेल हैं वो भी इनके समर्थन में उतरी हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यशवंत सिन्हा के खिलाफ इन्हें ज्यादा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। सपा के समर्थन की बात करें तो क्या वो द्रौपदी मुर्मू की तरफ है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अखिलेश और विपक्ष के उम्मीदवार के द्वारा, तो उसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, सपा की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें कल यशवंत सिन्हा वहाँ पे पधारे थे और कुल मिला के देखा जाए तो अगर अखिलेश यादव के समर्थन की, तो अखिलेश यादव का जो एक पूरी तरह से एक प्रभाव है वो यशवंत सिन्हा पर पूरी तरह से बैठ रहा है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करते हैं तो यशवंत सिन्हा के आने का कुल मिला के कुछ न कुछ ऐसी बात है कि वो यशवंत सिन्हा के साथ हैं बल्कि द्रौपदी मुर्मू के साथ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सागर थापा जुड़े थे लखनऊ से। अमेठी से मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन पर पहली बार इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकी, जिसके बाद भाजपा और एबीवीपी कार्यकर्ता ने ट्रेन के ड्राइवर को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का पहल बताई जा रही है। वहीं माता वैष्णो धाम जाने वाली कटरा एक्सप्रेस निहालगढ़ में रुकेगी। माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी के सौजन्य से ये जो शटल एक्सप्रेस
का मुसाफिर खाना में स्टॉपेज नहीं था। काफ़ी दिनों से मांग पत्र प्रस्तुत करके रुकने की मांग की गई थी, आज उसका जो है मुसाफिर खाना में स्टॉपेज है, उसी के लिए जो है हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि माननीय दीदी स्मृति ईरानी से सभी क्षेत्रवासियों ने मांग की कि यहाँ भी सडल एक्सप्रेस का ठहराव हो, जिसका संज्ञान लेकर माननीय दीदी स्मृति ईरानी ने अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन भोजनालय लंबे समय से बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को सस्ता भोजन नहीं मिल पा रहा है और यात्री भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर है। कोरोना काल के बाद से IRCTC ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खुले भोजनालय को बंद कर दिया था। वहां मौजूद अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि भोजनालय खुलवाने के लिए अफसर को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जैसे कोरोना चल रहा था, लेकिन अब कोरोना खत्म हो चुका है, तो उसके ऊपर रेलवे को सोचना चाहिए, क्योंकि बाहर जाते हैं लोग, कभी कभी तो किसी की ट्रेन भी छूट जाती है, मान लो कोई ट्रेन से निकल के जा रहा है, तो उसके हिसाब से खुल जानी चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा, सभी तरीके का नुकसान है, हेल्थ में भी नुकसान है, अगर कोई बाहर खाएगा, धूल मिट्टी जाती है, यहाँ पर नहीं है, सेफ सिक्योर खाना मिल जाएगा, और दूसरी बात पैसा भी बचेगा यात्रियों का। तो रेलवे प्रशासन को इसके खुलने को लेकर किस तरीके की मांग है? अब खुल यही चाहिए कि लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और उन्हें भी खोल देनी चाहिए कैंटीन। मुरादाबाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद भड़काऊ बयान दिया है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद से देश के विभिन्न प्रदेशों में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को मिल रही धमकियों के बाद विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में हिंदुओं की सहायता के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको आमंत्रित करने का एक उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इस समय हिंदू समाज कन्हैया कुमार की हत्या के पश्चात भय के माहौल में आ गया है, मतलब उसे चिंता हो गई है कि जिस तरीके की ISIS जैसी गतिविधि, मैं स्पष्ट कहता हूँ, इस्लाम वालों ने, मुसलमानों ने ये जघन्य अपराध करने के लिए स्थान चुना, वो ऐसे स्थान चुना जहां पे ऐसी सरकारें होती हैं जो उनको संरक्षण देती हैं, राजस्थान चुना। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर, फिल्म मेकर लीला को लेकर लगातार हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। नाराज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहले जमकर प्रदर्शन किया, उसके बाद काली फिल्म निर्माता लीला का पुतला फूंक कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की। पुतला फूंका गया है, लीला का पुतला फूंका गया है, सिगरेट पीते हुए काली माँ का उसने पोस्टर ब्या किया था, तो 100 करोड़ हिंदुओं को आस्था को विवाद में उसने सहन नहीं करा जा रहा किसी हिंदू पे, के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग करते हैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। और मैं पुष्पेंद्र चौधरी, हिंदू मंच ब्लॉक। गाजियाबाद के लोनी इलाके से कल 4 युवा यमुना नदी में नहाने के लिए आए थे, लेकिन वो कल देर रात तक घर नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजनों ने उन चारों के लापता होने की सूचना नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी थाने में दी। इसके बाद पुलिस ने इन सभी की तलाश शुरू की और उनके यमुना में डूबने का मामला सामने आया है। 7-8 लड़का गया था नहाने के लिए, तो 4 बजे के करीब वहाँ गए थे और 4 रह गया था वहाँ पर। कहाँ गए थे नाने कहाँ गए थे? क्या गए थे कि हमारा ये सोनिया भी यहाँ पुस्तक है, और वहाँ पर जाने के बाद 4 लड़का आ गए, 4 लड़कों ने आके फिर बताया कि वह नहा रहे थे, हम छोड़ आए थे, अब बाद में पता चला क्या रात तक ये पता नहीं चला कि लड़के है या नहीं है। फिर रात को तहकीकात करने के बाद अब ये पता चला है कि एक की लाश मिली।
गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टर घाट के पास गंगा नदी में उस पार जा रहे यात्रियों से भरी एक नाव बीच नदी के बीच धारा में अचानक पलट गई, जिसमें कई लोग नदी में गिर गए और डूबने लगे। इसी समय किनारे पर ड्यूटी कर रही एनडीआरएफ की टीम और लोकल मछुआरों ने रेस्क्यू कर लोगों को बचा लिया। मौके पर एसपी, डीएम और बड़ी संख्या में पुलिस और एनडीआरएफ टीम भी पहुंच गई। बिजनौर में सियावी इलाके में न्यायालय सिविल जज जुडिशियल चांदपुर ने तैनात स्टेनो अंकुर अपने घर से ड्यूटी करने जा रहा था। इसी दौरान मंगेतर प्रियंका ने अपने भाई के साथ मिलकर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। प्रियंका ने अंकुर को गन पॉइंट पर लेकर अपहरण तो कर लिया, लेकिन पुलिस अफसरों की सूझबूझ के चलते महज 4 घंटे में ही अपहरण के केस का पर्दाफाश हो गया। दरअसल स्टेनो अंकुर कुमार की मंगनी परिजनों की राजामंदी से प्रियंका से हुई थी। अंकुर और प्रियंका दोनों फोन पर बात करते थे, लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर अंकुर को प्रियंका की बातें नागवारा गुजरी, जिसकी वजह से अंकुर ने रिश्ता ठुकरा दिया था और इसी वजह से मंगेतर प्रियंका ने अपने भाई के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रच डाली। मैं मॉर्निंग 9:40 पे ऑफिस जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ एक लड़का था बाबू, मैं मोटरसाइकिल चला रहा, रास्ते में दो लोग मिले मुझे, उन्होंने बाइक रोकी, चाबी निकाली, पीछे से कार आई, उन पे लड़कों पे हथियार थे, सब पे तमंचे थे इन पे, उन्होंने मुझे गाड़ी में घेर लिया, बोले कि गाड़ी में बैठे, नहीं बैठे गोली मार देंगे। वहाँ से गाड़ी में बैठा के मुझे ले गए नजीबाबाद घुमा फिरा के, पूरे रास्ते तमंचे दिखाते रहे, बोल लेगी आज हमारा शादी करेगा या तो यानी गोली मार देंगे। आज सुबह एक अत्यंत सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि JM चांदपुर की कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर हैं अंकुर, उनका अपहरण अज्ञात लोगों ने शस्त्रों के आधार लेकर किया गया, बलपूर्वक किया था। सनसनीखेज घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मैंने स्वाट की टीम को और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चांदपुर की टीम सक्रिय हुई, जिसमें कि 4 घंटे के भीतर ही तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग ने अनियंत्रित और तेज दिल की धड़कन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट फार्टिस्ट हॉस्पिटल गुरुग्राम के सिरोस पर्सन मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर MU रब्बानी की अध्यक्षता में अनियंत्रित दिल की धड़कन की पुष्टि करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, आपको मालूम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न अंग है और बहुत ही हर तरीके के मतलब कहना चाहिए रोगों का निवारण करने के लिए, और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक नहीं, मतलब कि और भी डिस्ट्रिक्ट को केटर कर रहा है यहाँ पर। और अभी हाल की जो रैंकिंग आई है मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज के और डेंटल कॉलेज में, उसमें हमारे इस यूनिवर्सिटी के जनरल मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि को सराहा गया है और आगे का पायदान इसने तय। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो